नमस्कार दोस्तों, आज की वीडियो में आपको दिखाने वाले हैं कि किस तरीके से ये खूबसूरत सी लाठियाँ बनाई जाती हैं। तो आप देख पा रहे हैं इतनी खूबसूरत सी लाठियाँ बढ़िया बनाकर डिज़ाइनर रखी गई हैं, तो बड़ी अच्छी अच्छी लगती हैं देखने में। लेकिन इसके बनाने का प्रोसेस क्या होता है, तो चलिए हम लोग देखते हैं इस प्रोसेस को। तो ये इस तरह के बाँस काट करके कोठियों से लाए जाते हैं, जो बाँस की कोठियाँ होती हैं। और ये दादाजी देखो इसको पूरा घिस रहे हैं। और इसका प्रोसेस शुरुआत में होता है कि इस तरीके से ये आग जला करके इसको गर्म करते हैं, और गर्म करके इसको जहाँ जहाँ ये टेढ़ा होता है उसको सीधा करने का काम भी करते हैं। और साथ में इस आग से एक काम और करते हैं, जो इस पर आपको ये पकी हुई दिखाई देती है, इसका जो कलर रेड जैसा दिखाई दे रहा है वो इस आग में गर्म करने की वजह से होता है। तो ये पास से देखते हैं किस तरीके से इसको ये हीट कर रहे हैं। और हीट करने के बाद इन्होंने एक यहाँ पर बल्ली गाड़ रखी है, और इसी बल्ली से ये इसको सीधा करेंगे, जहाँ जहाँ पर ये टेढ़ी है सीधा करेंगे, और बहुत ही खूबसूरत सा ये तैयार हो जाएगा। देख पा रहे हैं आप इस तरीके से गर्म कर रहे हैं, आपको पास से दिखाते हैं किस तरीके से इसको हीट करते हैं। ये देखिए आप, इसमें ये डिज़ाइन बन करके आ रही है। तो ये डिज़ाइन बनने के पीछे भी एक रीज़न है, ऐसे नहीं बनेगी, आप अगर बाँस को गर्म करेंगे तो नहीं बनेगी। इन्होंने एक नीचे कील गाड़ रखी है लोहे की टेढ़ी सी, और वो हीट हो रही है बराबर। और जब बांस हीट हो जा रहा है तो उसी में रगड़ रहे हैं, जिससे कि ये डिज़ाइन बन करके आ रही है। देखिए नीचे एक बांस की वो लोहे की कील है जिसमें रगड़ लग रही है, ये आप देख पा रहे होंगे, लोहे का एक सरिया कह सकते हैं उसको, घुमा करके गाड़ा हुआ है इन्होंने, और उसी में रगड़ रहे हैं, उससे डिज़ाइन बन रही है। और जिसका कि टेढ़ा मेढ़ा है बांस, उसको अभी इसी बल्ली में लगा करके वो सीधा करेंगे। सीधा करने के बाद इसमें जो भी बीच बीच में नोट्स होते हैं वहाँ पर जो ऊंचा खाली होगा उसको घिसेंगे। घिसने के बाद ये दादाजी के पास रखेंगे, और दादाजी इसकी जो है घिसाई करेंगे, और घिसाई करने के बाद इस पर गेरू और तेल लगा करके कलर किया जाता है। ये देखिए इस तरीके से इस बांस को जहाँ जहाँ पर ये टेढ़ा है उसको सीधा करने का काम कर रहे हैं। ये देख पा रहे हैं इसको, क्योंकि गर्म होने के बाद जो है बहुत तेज़ी से ये अच्छे तरीके से सीधा हो पाता है। तो एक बहुत ही ज़बरदस्त चीज़ थी, दिखी हमें, तो हमें लगा कि आप लोगों को दिखानी चाहिए किस तरीके से। और ये इस समय लाठियाँ बनके तैयार हो गई हैं, हर तरह की मोटी पतली जिस तरह जिसको चाहिए होती है। और ये खूबसूरत सी लाठियाँ देखिए, इसमें कलर कर दिया है इन्होंने गेरू डाल करके और तेल लगा करके, तो उसको साफ़ करके रखा हुआ है, बहुत बेहतरीन सी बनी गई। दोस्तों इसी तरह के वीडियो हमारे चैनल पर मिलते रहेंगे, तो जुड़े रहें हमारे चैनल के साथ।